आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे। हत्यारा टीचर गिरफ्त में कब? क्वेश्चन मार्क। ये सवाल इसलिए क्योंकि अभी गिरफ्त से बाहर है। कोटा से खबर है, जहां पर 15 वर्षीय की छात्रा की एक निर्मम हत्या कर लेने का जो मुलजिम था वो ट्यूशन टीचर गौरव जैन बताया गया। पुलिस हिरासत अभी भी दूर है। घटना के तीसरे दिन आरोपी गौरव का सुराग तक नहीं लग पाया है। जांच में तलाश में जुट चुकी है पुलिस। इधर पुलिस ने आरोपी पर इनामी राशि तक घोषित कर दी है। 5,000 से बढ़ाकर वो राशि अब 10,000 कर दी गई है। रेंज आईजी रवि दत्तगौड़ ने इनामी राशि बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। कोटा पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया के जरिए आरोपी गौरव का पता लगाने की अपील की है। जांच में पता चला है कि आरोपी गौरव जैन घर से लेकर 9,000 रुपए भागा था और पुलिस ने आरोपी के जल्द गिरफ्तारी का दावा भी किया है। तो उधर ब्यावर महासंघ ने गिरफ्तारी नहीं होने पर 17 फरवरी के बाद एक बार फिर से बाजार बंद करने की चेतावनी दी है। रविवार को सुबह 10:30 बजे छात्रा अपने पड़ोसी टीचर गौरव जैन से ट्यूशन पढ़ने गई थी कि जब 1 बजे तक वे अपने घर नहीं पहुंची तो उसके पिता टीचर के घर पहुंचे। वहां पर ताला जड़ा हुआ मिला। कमरे के अंदर छात्रा फंदे से लटकी हुई बरामद हुई। पुलिस को अभय कमांड के कैमरों से आरोपी गौरव जैन की कुछ तस्वीरें मिली है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। कोटा में 15 साल स्कूली छात्र की जो हत्या का मामला है, आरोपी अभी गिरफ्त से बाहर है और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया, अपने खून से पत्र लिखा, आक्रोश जाहिर किया और इसी दौरान कार्यकर्ताओं ने धरना देकर नारेबाजी की और प्रदर्शन कर हत्या के आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर पर अपना खून निकाला कलेक्ट्रेट पर और सीएम को पत्र लिखा। कार्यकर्ताओं का क्या कहना है? वो कहते हैं कि जल्द आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। के शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। के क्या जानकारी आपके पास? पुलिस की जांच कहां तक पहुंच पाई है? क्योंकि बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से भी अब सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग है। पुलिस कार्रवाई क्या कहती है? बिल्कुल गगन, देखिए पूरे शहर में आक्रोश है। ना केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस, समाज सेवा के तमाम संगठन, व्यापार महासंघ, इन सभी में सभी लोगों के अंदर बात को लेकर के आक्रोश है कि घटना के 3 दिन बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। लगातार पुलिस के द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन सवाल हर किसी की जबान पर सिर्फ एक है कोटा शहर के अंदर की आखिर गौरव जैन की गिरफ्तारी कब होगी। और पुलिस के लगातार ऑपरेशन जारी है, लेकिन बात एक ही सामने आ रही है कि क्या जमीन खा गई गौरव को या आसमान निकल गया। पुलिस पूरी तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाए हुए है। जितने भी इस कोटा से जयपुर होते हुए टोंक होते हुए जो पूरा रूट है दिल्ली तक, इस पर पुलिस की लगातार सर्च है। और एक चीज और निकल के सामने आई कि गौरव जब अपने घर से भागा था तो उसने अपनी माँ के जेब पर्स से 9,000 रुपए चुराए थे। तो ऐसे में पुलिस इस बात को मान के चल रही है कि गौरव ज्यादा समय तक छुप करके नहीं रह सकता, उसका सर्वाइवल इन 9,000 रुपए में ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। और तो पुलिस गौरव की सिर्फ एक गलती का इंतजार कर रही है। जो जैसे ही गौरव की तरफ से कोई गलती होगी पुलिस उसे दबोच लेगी, ऐसा पुलिस मान करके चल रही है। गगन, बिल्कुल पुलिस की तरफ से तो दावा है कि जल्द ही आरोपी गिरफ्त में होगा, लेकिन इस वक्त जो बड़ा सवाल बना हुआ है कि गौरव है कहां है गौरव? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए।